हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग यमी डिशेस। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आने वाली टेस्टी रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को भी हिट कर दो। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज हम बनाएंगे चिकन करी, जिसके लिए हमने बस हमारा जो घर का कुटा हुआ मसाला होता है ना, वो यूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चिकन को बॉईल कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम चिकन लिया है। उसमें हम थोड़ा सा प्याज, थोड़ी हल्दी और थोड़ा सा नमक, थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे हम बॉईल कर लेंगे। चिकन बॉईल होने तक हम यहाँ पर सब्जियाँ काट लेंगे। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया और एक मीडियम साइज़ का टमाटर और दो हरी मिर्ची का मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। टमाटर को भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। चिकन हमारा बॉईल हो चुका है, इसे अब हम साइड में रख देंगे। एक कढ़ाई में हम ऑयल गरम कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच ऑयल का यूज़ किया है। तो आप चाहे अपने हिसाब से ऑयल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें 1 चम्मच हम ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा चटकने पर हम इसमें हमारी जो चॉप की हुई प्याज है वो डाल देंगे, और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इस तरह से हमें प्याज गोल्डन ब्राउन करनी है। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम थोड़ा सा पका लेंगे, और ये जब हमारा पक जाएगा तो हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। जो हमने हरी मिर्च ली है उसमें बीच में से चीरा लगा कर इसे डाल देंगे। इसमें इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हमारी चॉप की हुई टमाटर डाल देंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जो कि मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। और जो हमारा घर का कुटा हुआ मसाला है वो डाल देंगे। हमें यहाँ पर धनिया पाउडर या गरम मसाला कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर के कुटे हुए मसाले में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी होती है। तो मसाले को हम मिक्स कर लेंगे और ढककर 2 से 4 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। मसाला हमारा पक चुका है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छी तरह से। टमाटर हमें सॉफ्ट कर लेने हैं। तो हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें जो हमारा चिकन बॉईल किया हुआ था वो डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। कुकर को हम थोड़ा सा पानी डालकर धोकर ले लेंगे, और वो पानी इसी में हम ऐड कर देंगे। तो हमें ग्रेवी इसकी थिक ही रखनी है, ज़्यादा थिन नहीं करनी, क्योंकि जो हम चिकन मसाला ग्रेवी बना रहे हैं तो इसके लिए इसमें हमें ज़्यादा ग्रेवी को पतली नहीं करनी है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और ढककर इसे 4 से 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो रेडी हमारी चिकन ग्रेवी की रेसिपी, टेस्टी सी। आपको अगर हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, रेसिपी पसंद आई होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक बार घर में ज़रूर बनाकर ट्राई करो, और मुझे कमेंट्स में बताओ क्या आपका ये जो चिकन ग्रेवी की रेसिपी है कैसी बनी है। और मुझे पूरा यकीन है आपकी भी रेसिपी इतनी ही टेस्टी बनने वाली है जितनी मेरी बनी थी। और चैनल हमारा न्यू है, व्यूज़ को देख कर ये मत डिसाइड कर दो कि व्यूज़ कम है और रेसिपी भी अच्छी नहीं होंगी। आप सपोर्ट करेंगे तो व्यूज़ भी ज़्यादा आ जाएंगे और चैनल पे ग्रोथ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।